न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आलोचकों के निशाने पर हैं। भारत को 3 या इससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में कभी भी अपने घर पर हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये काम कर दिखाया। इसके बाद से ही रोहित शर्मा की कप्तानी को कोसा जा रहा है, लेकिन भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित का समर्थन किया और जो बातें कहीं उससे हिटमैन के आलोचकों को करारा जवाब भी मिला है। भारत की T20 टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर, जहां पर उन्हें आज से 4 मैचों की सीरीज खेलनी है। T20 सीरीज का पहला मैच डरबन में खेला जाना है। मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जहां उनसे रोहित की कप्तानी को लेकर सवाल पूछे गए। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि रोहित एक लीडर हैं जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि क्रिकेट में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, खेल में जीत हार होती रहती है, हर कोई कड़ी मेहनत करता है और जीतना चाहता है। कई बार सफलता मिलती है तो कई बार नहीं मिलती है। मैंने ये बात उनसे ही सीखी है, जीवन में संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अच्छे या बुरे समय में उनके कैरेक्टर को बदलते नहीं देखा है, मैंने उन्हें एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर आगे बढ़ते हुए देखा है। सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, लीडर ये फैसला करता है कि टीम किस फॉर्मेट में खेलना चाहती है। कप्तान हमेशा जीतना चाहता है, लेकिन एक लीडर स्टाइल तय करता है कि टीम कैसे खेलेगी। मैंने रोहित भाई से काफ़ी कुछ सीखा है, मैं उनके साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी खेला हूँ। जब मैं ग्राउंड पर होता हूँ तो मैं उन्हें नोटिस करता हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वह किस तरह से दबाव को झेलते हैं, किस तरह से वह शांत रहते हैं।